खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र तिवाड़ी। पेश है आज की हेडलाइंस। होली के रंगों पर लोकसभा चुनाव की छाई रंगत, गीतों पर झूमे मंत्री संजय शर्मा और नेता प्रतिपक्ष जूली, एवं वोट जरूर डालने को लेकर की अपील। वहीं अन्य जनप्रतिनिधियों के यहां भी उमड़े समर्थक। धुलंडी के धमाल में डूबे अलवरवासी, हर तरफ छाया त्योहार का उल्लास। होली के हुड़दंगियों पर पुलिस ने रखी पैनी नजर, चौराहों और सार्वजनिक स्थलों पर तैनात रहे जवान। और दुकानदार पर हमला कर लूटे सोने की चैन और नकदी, शहर के मालवीय नगर में सामने आई वारदात। और अब खबरें विस्तार से। होली पर जहां चारों ओर उमंग, उल्लास और खुशी का माहौल नजर आया, वहीं इस बार होली की रंगत में लोकसभा चुनाव के रंग भी शामिल रहे। मतदान 19 अप्रैल को है और इससे पूर्व राजनीतिक दल और प्रत्याशी अपने दांव पेच में जुटे हुए हैं। वहीं अलवर में जनप्रतिनिधियों से मिलने इस बार समर्थकों का हुजूम हर साल की तुलना में कुछ अधिक संख्या में रहा। इसकी वजह यह भी है कि चुनाव करीब है और होली के बहाने नेता अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरते दिखे। उन्होंने वोटर से मताधिकार का प्रयोग अवश्य करने की अपील भी कर डाली। ATL टीम ने होली और इससे जुड़े राजनीतिक रंगों का जायजा लिया। बिजलीगढ़ चौराहे के समीप स्थित वन मंत्री संजय शर्मा के निवास पर लगातार कार्यकर्ता पहुंचते रहे। मंत्री बनने के बाद यह उनकी पहली होली भी थी। इस दौरान रंग बरसे भीगे चुनरवाली जैसे प्रसिद्ध गीत सहित अन्य होली गीतों पर संजय शर्मा और समर्थकों ने नृत्य भी किया। इस मौके पर उन्होंने मतदान जरूर करने की अपील भी कर डाली और नरेंद्र मोदी का टारगेट 400 भी याद दिलाया। देखिए, रंगों का त्यौहार है और अलवर शहर सहित अलवर जिला, पूरा राजस्थान, पूरा देश इस त्यौहार को बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। और जिस प्रकार का वातावरण अलवर शहर में है, सब लोग बड़े सादगी से, गुलाल से होली खेल रहे हैं, फूलों से होली खेल रहे हैं। और एक ललक है इस देश के जनता में कि आने वाले समय में इस देश के ऊपर भगवा फहराएं। और जिस प्रकार का राम जन्मभूमि को लेकर के एक आंदोलन चला और भगवान श्री राम ने 22 जनवरी को विधिवत प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो पूरा देश ये चाहता है कि जिस सोच को लेकर के आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी चल रहे हैं, आने वाले समय में तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री पद पर विराजमान हो और होली का ये पर्व भी उसी तरह से आज लोग मना रहे हैं, रंग भी ला रहे हैं, गुलाल भी लगा रहे हैं, बधाई भी दे रहे हैं और संकल्प भी ले रहे हैं कि आने वाले चुनाव में नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी NDA गठबंधन की सरकार को 400 से अधिक सांसदों की जीत दिला करके, आदरणीय भूपेंद्र यादव जी को लोकसभा में भेज करके भारतीय जनता पार्टी NDA गठबंधन की सरकार तीसरी बार बने, इस होली के पर्व पर सब लोग ये संकल्प भी ले रहे हैं। मतदान के प्रति जो नवयुवा मतदाता हैं, उनको क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, मतदान एक महती आवश्यकता है क्योंकि लोकतंत्र का ये महोत्सव है, लोकतंत्र का पर्व है। हमको अपने मत का अधिकार का प्रयोग निश्चित रूप से करना चाहिए। आपके मत के अधिकार के प्रयोग के आधार पर ही एक अच्छा जनप्रतिनिधि आप चुनेंगे तो निश्चित रूप से आपके क्षेत्र की, आपके जिले के, आपके प्रांत के, आपके गांव की विकास की बात वो उठाएगा। आपके चैनल के माध्यम से मेरा ये आग्रह है, 19 तारीख को अलवर में जो लोकतंत्र का महोत्सव मनेगा, आप सब मतदाता भाई बहन, विशेष रूप से युवा पीढ़ी, हमारे बुजुर्ग, सब लोग इस लोकतंत्र के इस महोत्सव में सक्रिय भागीदारी निभावें और 19 तारीख को सबसे पहले मतदान करके उसके बाद जलपान करें। निश्चित रूप से आप देश की बहुत बड़ी मदद करेंगे। जैसा कि हमारी परंपरा है, हर वर्ष की तरह आपका एक सॉन्ग होली पर। आज मेरा गला खराब है, हल्की सी आवाज में चाहे दोस्त लाइनी। ओ रंग बरसे,
ओ रंग बरसे भीगे चुनरवा ही रंग बरसे भीगे चुनरवा ही रंग बरसे लौंगा इलायची का बीड़ा लगाया लौंगा इलायची का बीड़ा लगाया हाय गोरी का यार दलम तर से रंग बरसे होली है उधर मोती डूंगरी पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी जमकर होली खेली। जिले भर से आए कार्यकर्ताओं समर्थकों ने उन्हें गुलाल लगाया, साथ ही फूलों से होली खेली गई। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने गीत गाकर समर्थकों का उत्साह भी बढ़ाया। उन्होंने भी मताधिकार का प्रयोग जरूर करने को लेकर अपील की। ये प्यार और प्रेम का त्यौहार है और कहते हैं होली के दिन तो दुश्मन को भी गले मिला लेते हैं, तो आज जो प्यार और प्रेम और सौहार्द का ये त्यौहार है इसकी सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और सब लोग आप जैसे देख रहे हैं कि आज सब हंसी खुशी हंसते हुए मुस्कुराते हुए नाचते गाते हुए सब होली मना रहे, इस त्यौहार की सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अभी आने वाले अप्रैल में चुनाव है 19 तारीख को, तो मतदान के प्रति क्या जागरूक? सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि सब लोग मतदान करें, क्योंकि देश के विकास के लिए कौन सी पार्टी अच्छी है, कौन सा कैंडिडेट अच्छा है, ये आप मन में तय कर लें उसका कोई फायदा नहीं है। फायदा जब है जब आप बटन दबाएंगे, तो हर व्यक्ति मतदान करें। आज भी हम देखते हैं बहुत कोशिशें होती है तब कहीं जाके 75% के आसपास मतदान होता है, तो ये जब तक 100% के करीब नहीं जाएगा तब तक मैं समझता हूँ एक चौथाई आबादी तो रही जाती है जो वोट ही नहीं डालती, तो इसलिए सब लोगों को मतदान करना चाहिए, वोट डालना चाहिए। होली पर परंपरा रही है आपके द्वारा एक गीत, गीत गाएंगे ना अभी आपकी आवाज में और रंग बरसे भीगे चुनरवाली रंग बरसे और रंग बरसे भीगे चुनरवाली रंग बरसे और रंग बरसे भीगे चुनरवाली रंग बरसे। उधर भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री डॉक्टर जसवंत यादव के निवास पर भी सुबह से ही लोग पहुंचते रहे। इनमें उनके निर्वाचन क्षेत्र बैरूर के अलावा अन्य इलाकों के समर्थक एवं कार्यकर्ता भी शामिल रहे। साथ ही युवा नेता और डॉक्टर जसवंत के पुत्र मोहित यादव भी मौजूद रहे। इस मौके पर डॉक्टर जसवंत ने जहाँ होली की शुभकामनाएं दी, वहीं चुनाव में भाजपा की निश्चित जीत का संकल्प दोहराया। हमेशा तिरंगों का त्यौहार पूरे ज़िले की जनता के लिए खुशियां लाए, सब लोग खुश रहें, भाईचारा रहे, मेल मिलाप रहे और भगवान की इतनी कृपा बन रहे कि हमारा ज़िला हर तरह से आदर्श ज़िला बन जाए। रही आपने मतदान के बारे में पूछा है, आज होली के दिन आपने पूछ लिया, मैं आपसे जो कहना चाहता हूँ इस देश की जनता को नेता और पत्रकार ये तो अपने अपने तरीके से विश्लेषण करते हैं, पर जो जनता है, बुजुर्ग है, माताएं बहनें हैं, नौजवान, उन्होंने तो तय कर लिया मार्जिन का कोई पता ही नहीं कि भूपेंद्र कितने अधिक मार्जिन जीतेगा। चुनाव नहीं रहा ये हर निर्णय वाला कहेगा, पर ये सच्चाई कटु सत्यता ये है, वो आपका 27 तारीख के नॉमिनेशन में फैसला हो जाएगा आपके सामने। जनता चाहेगी तो ही आएगी, उसी दिन उनका है उसी दिन हमारा है, वो भी जोर लगा रहे हम भी अपील कर रहे हैं, पर मोदी जी के नाम पे किसी का भी मोदी जी से अलग हटके वोट देने का मन ही नहीं है। पर सबको ये पता है भूपेंद्र भाई मोदी जी अमित शाह के
बिल्कुल खास सिपहसालारों में है, वह अलवर में बन गए, तो इस कद का नेता आज तक अलवर ज़िले से चुनाव नहीं लड़ा है। इस कद का नेता ये चुनाव जीत जाते हैं तो निश्चित रूप से हमारे विकास के रास्ते खुलेंगे। स्टेट मिनिस्टर अपने भाव जितेंद्र बना था, वो स्टेट मिनिस्टर था। ये चुनाव जो लड़ रहा है अभी कैबिनेट मिनिस्टर है, पर जितना ये मोदी अमित शाह के नज़दीक है, उनको सलाह देता है, जिस तरह का इनका व्यवहार है, 3600 कौम को साथ लेके चलता है, लोगों में नेताओं में बीमारी होती है एक जात की, ये हर जात को सबको बराबर लेके चलता है, तो निश्चित रूप से हमारे विकास के रास्ते खुलेंगे। और भूपेंद्र का वोट पड़ने का ही बस इंतज़ार है, जीतने का कोई मुकाबला नहीं है। कटु सत्यता है, इस सत्ता को कोई नकार नहीं सकता, इसका फैसला आप खुद ही 27 तारीख को नॉमिनेशन वाले दिन देख लें। कांग्रेस के जनप्रतिनिधि का आरोप है कि बाहरी, तो एक आंतरिक और बाहरी का ये, सर मुझे तो दो तीन चीज़ें समझ में नहीं आती कि आदमी बोलने से पहले भंवर जितेंद्र जैसा कद्दावर नेता अगर ये शब्द बोलता है तो अच्छा नहीं लगता, और कोई बात नहीं है, कोई छुटभैया नेता बोले कोई बात नहीं जी। और भंवर जितेंद्र नेता कहेंगे लोकल है बाहर, सोनिया गांधी कहाँ की है भाई, जो आपने राजसभा चुनाव तो वही एमपी का ही है, वो एमपी का राजसभा चुनाव आपने जयपुर से लड़ा दिया, कहाँ की थी, वेणुगोपाल कहाँ का था, वो केरला में जाकर के राहुल जी चुनाव लड़ रहे, वो कहाँ के हैं। जो समझदार लोग होते हैं ना, जिन्हें जिले की चिंता है, विकास की चिंता है, देश की चिंता है, मोदी जी को गुजरात से पकड़ के ले गए काशी वाले, आज वो काशी पूरे वर्ल्ड में छा गई, वो काशी दुनिया की अलग ही काशी बन गई। तो हमारा ज़िला आज तक एमपी हम लोग भी रहे, ये उन एमपीओं में नहीं है जो आदमी प्रधानमंत्री के बिल्कुल किचन कैबिनेट का मेंबर हो, वो आदमी आता है तो बहुत बड़े आयाम बदलेंगे विकास के, बहुत बड़ा आयाम बदलेंगे। इसलिए बाहरी, देशी, विदेशी, जिनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विदेशी हो, वो क्यों ये बातें कहते हैं, कहना ही नहीं चाहिए उनको तो ये बात, अच्छा होने लगता है उनके मुंह से। तो इसलिए यहाँ पर यादव समाज के जो अध्यक्ष हैं भारत यादव, उन्होंने भी कहा है कि पूरा यादव समाज जो ललित यादव है उनके समर्थन में। देखो भारत यादव क्या कहता है इस पर मैं जाऊँगा नहीं जी, पर यादव समाज क्या पढ़ा लिखा समाज हो गया, यादव समाज व्यापारी समाज हो गया, पढ़ा लिखा हो गया, विकास की तरफ देखने लग गया यादव समाज। तो यादव समाज 80% से ऊपर, 80% हाईएस्ट, अगर अलवर ज़िले में कोई नौकरी वाले हैं, कोई आर्मी में है, कोई बड़े अधिकारी हैं, तो यादव समाज के लोग हैं। तो सब कुछ जानते हैं कि देश में क्या चाहिए, देश को क्या चाहिए। इसलिए भारत यादव क्या कहता है मैं उस बात पर नहीं जाता, मैं इस बात पर जाता हूँ समझदार जो भी यादव हैं, पढ़े लिखे जो भी यादव हैं, जो विकास चाहते हैं, जो इस देश का भला चाहते हैं, जो इस देश को उन्नति चाहते हैं, तो आज की बात याद रखना 80-20 का रेशियो रहेगा, 80% यादव समाज भूपेंद्र यादव के साथ जाएगा। बहुत बुरी तरह से, ये जुमला नहीं है, लोग तो जुमले करते हैं, ये जुमला नहीं है, जिस जगह से अभी ललित यादव 37,000 से जीता है, उसी से 50,000 से कम 50,000 से भूपेंद्र यादव मुंडावर से जीतेगा। बहरोड और अलवर की तो गिनती नहीं है, पहली बात तो बहरोड और अलवर ही जिता देंगे, अनगिनत वोट है, एक तरफा ऐसा माहौल। तो इसलिए वो बाहरी, भीतरी, यादव वादव कुछ नहीं, कौन यादव समाज, यादव समाज कैसे नेता माने, यादव समाज तो विकास को नेता मानता है, उन्नति को नेता मानता है, अपने काम को नेता मानता है, उन्हें पता जो काम करेगा वो हमारा है, भूपेंद्र यादव से तगड़ा कोई है ही नहीं। तो इसलिए यादव समाज को तो ज़िंदगी में एक हीरा मिल गया, अलवर ज़िले के यादव समाज को इतना बड़ा नेता बनना कोई आसान काम है क्या? और वो आदमी बड़ा जो 3600 कौम को चाहता है, तो इसलिए कोई मुकाबला नहीं है। चुनाव तो होने हैं पर मुकाबला, भंवर जितेंद्र जानता है मुकाबला नहीं है, इसलिए वो तो अपने पार हुआ फार्म बराबर हो के बेटा चढ़ जाए, बेटा बांस में भरी करे भगवान।
तो सामने आने ही नहीं चाह रहे, क्या कारण है? आएंगे हर बार लगता है कि भंवर जितेंद्र इस बार उतरेंगे चुनाव मैदान में, लेकिन हर बार पीछे हट जाते हैं। जितना भंवर जितेंद्र चुनाव में उतरेगा उतना ही ज्यादा वोटों से ललित यादव हारेगा, उतर के देख लो। जिस दिन भंवर जितेंद्र खुलेआम गाँव में जाने लग गया, समझ लो ललित यादव की जमानत भी बचना मुश्किल काम है। और इस होली के त्यौहार के ऊपर जिस तरह से पहले से मशहूर है कि दुश्मन भी दोस्त हो जाते हैं जी, उसका सीधा सीधा उदाहरण यहाँ पर इस होली पे देखने को मिल रहा है कि इस चुनाव के दौर के अंदर जितने भी लोग भारतीय जनता पार्टी से अलग गए थे उनको भी ये समझ आ गया कि आगे देश को अगर विकास चाहिए, अगर अलवर जिले को विकास चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी परिवार के अंदर भी सभी ने उनको वापस अपनाया और साथ ही मिलके ये संकल्प भी ले रहे हैं कि इस होली के पर्व के ऊपर जो दुश्मन दोस्त बन जाते हैं उसकी सही मिसाल दिखे और सभी लोग एक साथ मिलके मोदी का परिवार बनके भारत को आगे बढ़ाने के लिए, अलवर ज़िले को आगे बढ़ाने के लिए सब जोर जार यहाँ पर चुनाव भी जीतेंगे। और होली के ऊपर मैं तो हमारे भैरोड विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जो हमने एक संकल्प लिया है कि हाइएस्ट वोटों से भैरोड विधानसभा क्षेत्र से हम जीत के आएंगे भारतीय जनता पार्टी के, और हर जगह से जीतेंगे लेकिन वहाँ से सबसे ज़्यादा तो वोटों से जीतेंगे, और मेरे को युवाओं पे, मेरे साथियों पे, सब पे विश्वास है। उधर कांग्रेस नेता नरेंद्र शर्मा ने भी समर्थकों के साथ होली मनाई। इस मौके पर उन्होंने सभी को होली की बधाई दी। ऐसे की ना पैसे की, राम राम भाई होली और धुलंडी की। यहाँ पर नरेंद्र जी शर्मा के घर आई हुए एटीएल न्यूज़ की टीम, तो हम उनसे जानना चाहते हैं, प्यार प्रेम का रंग बरस रहा है, अबीर गुलाल भी है लेकिन प्रेम सबसे अधिक है, तो उनसे जानते हैं क्या कहना है जी। होली का त्यौहार, रंगों का त्यौहार, प्रेम प्यार मोहब्बत की खातिर है, और मेरे को लगता है कि ये हिंदुस्तान का ऐसा महान त्यौहार है जिसमें सब लोग एक दूसरे से मोहब्बत से मिलते हैं, प्रेम के रंग लगाते हैं एक दूसरे को, अपनी खुशियाँ बाँटते हैं। और आज इस अवसर पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अलवर के सभी निवासियों को मेरी ओर से प्यार भरे रंगों के त्यौहार होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली का माँ का आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहे और इसी तरह हमारे इस अलवर में प्यार प्रेम मोहब्बत का वातावरण बना रहे। ये है रवाब जनता के बीच में भी है, क्या कहना है, एटीएल न्यूज़ टीम आपके पास पहुंची है? मेरा तो यही है, सब मिलजुल कर प्रेम से रहें और प्रेम का संदेश हमेशा बना रहे। इनका कहना है कि प्यार प्रेम ही सर्वोपरि है और सभी इस प्रेम के रंग में सरोबार रहें और सकारात्मक सोच के साथ रहें। मैं उदय सिंह, एटीएल न्यूज़। उधर भाजपा नेता पंडित जले सिंह का कहना था कि चुनाव में जीत का रंग भी भाजपा के हिस्से में आएगा, इसके पीछे मोदी सरकार और प्रदेश की भजनलाल सरकार की योजनाएं भी बड़ी वजह है। और ये होली चुनाव के रंगों से रंगी होली है। मोदी जी के नेतृत्व में पूरा भारत कह रहा है, हर मतदाता कह रहा है कि अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। इस होली में ऐसे ऐसे रंग हैं, गरीब को मकान मिला है, युवा को रोजगार मिला है, किसान को सम्मान निधि से उसका सम्मान मिला है, देश का बॉर्डर मजबूत हुआ है, और ये नया भारत है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारता है। खुशी के रंग हमारी जो सांस्कृतिक आध्यात्मिक धरोहर है, चाहे वह अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम का मंदिर बना हो, चाहे काशी में विश्वनाथ जी के मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ हो, और अब धीरे धीरे मथुरा की भी बारी है। पूरे देश में भक्ति और अध्यात्म का रंग है, और इस होली पर मैं सभी को बधाई देते हुए ये अपील भी करूंगा कि आने वाली 19 तारीख को भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर भूपेंद्र यादव जी को विजयी बनाएं और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करें, क्योंकि ये चुनाव बहुत बड़ा चुनाव है। राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच में आपको चुनाव करना है, तो भारत का मतदाता समझदार है, अलवर का मतदाता समझदार है, वो नरेंद्र भाई मोदी को चुनने वाला है, विकास को चुनने वाला है। आप यूथ से जुड़े हुए, तो क्या यूथ जो नव मतदाता है उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं युवा जो नव मतदाता जो पहली बार वोट करेंगे उनसे अपील करूंगा कि वो राष्ट्रहित में जो राष्ट्र को मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं, जो भारत को पुनः विश्व गुरु पूरे विश्व में बना रहे हैं, ऐसे अपने नरेंद्र भाई मोदी जी के लिए वोट करें और भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करें। इसके अलावा भाजपा, कांग्रेस और अन्य प्रमुख दलों के कई नेताओं ने अपने समर्थकों एवं कार्यकर्ताओं के साथ होली मिलन किया। देखिए, आज जिले भर में बड़े हर्षोल्लास के साथ होली का पर्व मनाया जा रहा है। लोग बाग रंगों की, गुलालों की और फूलों की होली खोल रहे हैं, बड़े प्यार से और सौंदर्यपूर्ण तरीके से एक दूसरे के गले मिलकर बधाइयां दे रहे हैं। इस पर्व पर मेरी तरफ से
समस्त क्षेत्रवासियों को और शहरवासियों को और वार्डवासियों को मैं बधाई देता हूँ। सब हर्षोल्लास और भेदभाव भूल के प्यार भरी और रंगों भरी होली और खुशियों वाली होली मनाएं। आज इस होली के पर्व आपस में सब मिलकर शुभकामनाएं दे रहे हैं। मेरी तरफ से सभी शहरवासियों को, अलवरवासियों को और बाड़वासियों को होली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। मैं अभी जो लोकसभा चुनाव है उसके लिए मतदान के प्रति अधिक से अधिक यूथ को क्या संदेश देना चाहता हूँ? मैं अधिक से अधिक यूथ को ये संदेश देना चाहती हूँ कि अधिक से अधिक मोदी जी को वोट करें और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएं। होली का त्यौहार बड़े उल्लास के साथ मनाना चाहिए और डॉक्टर हूँ तो ये चाहूँगा कि सारी बीमारियों पे अपन अपनी इम्यूनिटी को इतनी डेवलप करें और सारी बीमारियों पर विजय पाएँ। और वैसे भी कल 24 मार्च था, वर्ल्ड टीबी डे था, तो टीबी अपने देश के नौजवानों को खोखला कर रहा है, तो हम टीबी पर विजय पाएँ और टीबी मुक्त भारत बनाएं। और वहीं अलवर शहर सहित ग्रामीण इलाकों में होली पर खूब धमाल मचा। जगह जगह रंग में रंगे लोग नृत्य करते हुए दिखाई दिए। आप देख सकते हैं इसके माटे स्थित खाटू श्याम मंदिर का यह दृश्य, जहां महिला श्रद्धालु भी नृत्य कर रही हैं। भक्तों ने यहां दर्शन किए और जमकर होली खेली। होली का त्यौहार हमारे यहाँ हर साल बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, बड़े उत्साह से। यात्रा निकालने के बाद में, ये एकादशी मनाने के बाद में यहाँ होली का प्रोग्राम रखते हैं, होली उत्सव का। क्या विशेष आयोजन किया जाता है? विशेष तो कोई नहीं होता, होली का आयोजन होता है। इसमें बड़ा आदर्श उत्साह से मनाया जाता है, सब एक जुट हो जाते हैं सारे। होली पर विशेष श्रृंगार भी किया जाता है? यहाँ विशेष श्रृंगार स्नान होते हैं बाबा के होली के बाद में, और श्रृंगार होते हैं। होली धुलंडी के त्यौहार पर सभी जिले वासियों एवं शहर के वासियों को लोकसभा विधान जो अभी इलेक्शन आ रहे हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मतदान की अपील करता हूँ और सबसे ज़्यादा वोट अपील करो। ज़्यादा युवा टीम जितनी भी है, युवा बुजुर्ग जो भी, सभी भाई जिले वासियों को लोकसभा में आने वाले 19 तारीख को वोट के लिए अपील करता हूँ। और वहीं नयाबासी स्थित बीएल पब्लिक स्कूल में प्राचार्य सुमन बिलखा एवं निदेशक सुनील बिलखा ने बच्चों के साथ होली खेली। इस दौरान अनेक अभिभावक भी पहुंचे, वहीं डॉक्टर अनुराग चौहान भी उपस्थित रहे। इन सभी ने होली को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। बहुत ही, मैं कहूँगा मेरा सबसे पसंदीदा त्यौहार होली है, क्योंकि इसमें रंग जो है इतने प्यारे लगते हैं और दिलों में जो खुशियाँ हैं, उमंगें हैं, वो पूरी पूरी बाहर आती है। और मैं तो कहना चाहूँगा इस त्यौहार को सब हंसी खुशी हमारी तरह गुलाल से खेलें और दिल से खेलें। कहा जा रहा है कि नहीं, आज ये त्यौहार में लड़ाई झगड़े होते हैं, मैं कहता हूँ नहीं, अगर प्यार है तो केवल और केवल होली में है। और इस त्यौहार को जितनी खुशी से मनाया जाए, बच्चों को रोके ना, ठीक है पानी की प्रॉब्लम रहती है लेकिन एक दिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, खूब खेलें। हमारे डॉक्टर अनुराग है हमारे साथ में, दिल खोल के खेलें। होली है, होली है। रंगों के त्यौहार होली की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये हमारी बेटी, मन से और हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाइए। ये पर्व जो है अपने आप में रंगों का त्यौहार है, हंसी खुशी का त्यौहार है, सौहार्द का परिवार त्यौहार है, तो हर्षोल्लास के साथ इस पर्व खूब जोश खरोश के साथ मनाइए। जैसा कि हम सभी को पता है कि अभी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तारीखें अनाउंस हो चुकी हैं, तो मेरा सभी से नम्र निवेदन है और मैं चाहूँगा कि आप मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको उत्सव के रूप में मनाएं और मैक्सिमम मतदान करें, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जाके मतदान करें, क्योंकि यही हमारे 5 साल की आगे की भविष्य तय करेगा। तो मेरा सभी से निवेदन है, बाहर निकलें, मतदान करें और उस पर पूरी एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। जो यूथ मतदाता हैं उनके लिए विशेष यूथ मतदाता जो है उनके लिए तो विशेष तौर से ही निवेदन है उनका, क्योंकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें और अगले 5 साल के लिए अपना भविष्य खुद चुनाव करें। उधर उद्योगपति बाबूलाल डाटा ने भी कर्मचारी, परिजनों और अन्य लोगों के साथ होली मनाई। वहीं आपसी स्नेह के इस पर्व पर सभी को बधाई दी। हमारे बीच इस समय मौजूद है प्रसिद्ध उद्योगपति बाबूलाल जी डाटा। आइए उनसे जानते हैं किस तरह शहर भर में, जिले भर में होली का त्यौहार मनाया जा रहा है। होली का पूरे जिले में, शहर में बहुत हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। लोगों में सब में खुशी की लहर है, बहुत बढ़िया वातावरण है, किसी तरह की अप्रिय घटना सुनने में नहीं आई है और लगता है ऐसा है कोई अप्रिय घटना होगी भी नहीं। क्या अंतर आ गया पहले की होली में और आज वर्तमान की होली में, कितना आपको फर्क नज़र आ रहा है? विशेष फर्क तो यह है, जिस हिसाब से देश में पानी की कमी है, लोग सब महसूस करने लगे हैं कि पानी का उपयोग कम से कम किया जाए और सब लोगों के ऊपर इस बात का असर है।
पूरे शहर में तुम देखो सब कहीं भी पानी काम में नहीं लिया जा रहा, गुलाल की फूलों की होली की जा रही है, ये बहुत बढ़िया वातावरण है। दूसरा, पहले जो गुंडागर्दी हो हुड़दंग जो होता था, अब वो 100% ख़त्म हो गया, केवल होली यार दोस्तों के बीच की ही सीमित रह गई है, जो एक देश में अच्छा वातावरण है। होली के ऊपर एक सभी को संदेश, ये होली और दिवाली इसलिए आती है, किसी से भी तुम्हारी जरा से भी द्वेषता है, मनमुटाव है, भेदभाव है, उसको समाप्त करें, ये हम संकल्प लें। को यूथ जो हैं, बाकी सब लोगों को भी मेरा यही आह्वान है, मतदान ज़्यादा से ज़्यादा करें, मत का उपयोग करें और देश का जो प्रजातंत्र है उसको मजबूत करें अपना वोट डाल कर। और वहीं युवा ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष आकाश मिश्रा का कहना था कि यह त्यौहार गिले शिकवे भुलाकर प्रेम के रंग में रंगने का संदेश देता है। आज होली का पर्व है, सभी का एक दूसरे से रंगों के उत्सव रंग के रूप में मना रहे हैं और सर्व समाज के लोग एक दूसरे से मिलजुल कर एक दूसरे से प्रेम प्यार और स्नेह के साथ मना रहे हैं। और हमारे भारतवर्ष की एक ये विशेषता रही है कि आपस में एक दूसरे के साथ में प्रेम प्यार का ये जो पर्व है, ये आपस के प्रेम संबंधों को बढ़ाता है और जो कटुता आपस में हो जाती है उसको दूर करने का पर्व है। और आज यह संजय शर्मा जी के निवास पर सब लोग बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे से प्रेम प्यार से मिल रहे हैं। मीडिया का धन्यवाद, ATL न्यूज़ का धन्यवाद जो यहाँ पर आया और सबको विशेष रूप से कवरेज कर रहा है, धन्यवाद आप सभी का। और वहीं घंटाघर पर कई लोग एक दूसरे को गुलाल लगाते और चेहरे पर मास्क लगाकर डांस करते नजर आए। साथ ही मोहल्ला चावनपाड़ी में DJ पर युवक डांस कर रहे थे और बच्चे भी आपस में रंग लगा रहे थे। इस मौके पर युवाओं का कहना था कि वह कम से कम पानी का उपयोग कर गुलाल की होली खेल रहे हैं। भैया बहुत बढ़िया त्यौहार है भैया और इसमें सब हंसी खेल के खूब बढ़िया इंजॉयमेंट कर रहे हैं भैया, दुकानदारी भी सही हो रही है भैया। और कल जो लेट का जो दिवाली का जो मुहूर्त था उसकी वजह से भी दुकानदारों को काफ़ी बेनिफिट मिला भैया। अभी सुबह है तो खरीदारी पब्लिक कर रही है। हाँ बिल्कुल भैया, बहुत बढ़िया खरीदारी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास नए नए आइटम आए हैं होली पर? भैया हर्बल है और क्या बोलते हैं अपना स्प्रे वाला है भैया, भैया 70 काटो मुखोटे, मुखोटे भी हैं भैया, अलग अलग तरह के काफ़ी आइटम है भैया। शेर वाले आए हैं क्या विशेष को, अब क्या ये डराने वाले जी, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नया बिग आई है इस टाइप की, अब क्या सबसे ज़्यादा बिक रहा है ये जी, इसमें बहुत तरह की बिक थी। आप देख सकते हैं किस तरह से नए मुखोटे बिग नए नए उत्सव को रंगीन बनाने के लिए, जहाँ होली का रंग एक अपने आप में सभी के भाईचारे को बढ़ावा देता है, उसी तरह रंगों में सब मिलकर यह आयोजन कर रहे हैं। और वहीं अपना घर शालीमार में भी होली की धूम रही, यहाँ मायरा साड़ीज द्वारा विशेष आयोजन किया गया। इस दौरान लड्डू होली एवं फूल होली आकर्षण का केंद्र रही। इसके अलावा होली के साथ जमकर डांस भी किया गया, आयोजन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। यहाँ पे हम लोग मायरा फागुत्सव करवा रहे हैं, वृंदावन थीम है हमारा और पिछले 5 साल से करवा रही हूँ मैं और इस बार शालीमार में रखा है, तो इसमें बरसाना वाली लड्डू होली हुई थी अभी और फ्लावर वाली होली हुई थी अभी और रेन डांस सेटअप वगैरह हमने सब लगाया है और लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा प्रोग्राम जा रहा हमारा। क्या कुछ अंतर आ रहा है पहले की और अब में? पहले की और अब में बहुत अंतर आ गया, पहले यहाँ पे क्या शालीमार में इवेंट्स कम होते हैं तो ये मेरा दूसरा इवेंट है, पहले वाला तो बहुत ही अच्छा रहा और यहाँ पे लोगों ने काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया और काफ़ी लोग आए, पब्लिक का क्राउड वहाँ से ज़्यादा अच्छा है यहाँ पे। तो आपने देखा यहाँ पर किस तरह अपना घर शालीमार में होली का उत्सव मनाया जा रहा है, सभी एक जगह एकत्रित होकर इस होली के उत्सव का आनंद ले रहे हैं और विभिन्न प्रकार की होली, फूलों की होली, लड्डू होली आदि अनेक प्रकार की होलियों का आयोजन किया जा रहा है और बच्चे और बड़े सभी एकजुट होकर होली का आनंद ले रहे हैं। कैमरा पर्सन सचिन मेहंदी रत्ता के साथ में रविंद्र तिवाड़ी, ATL न्यूज़ अलवर। और वहीं अपना घर शालीमार सोसाइटी के अन्य आयोजन में बच्चों सहित महिलाओं और अन्य लोगों ने DJ की धुन पर जमकर डांस किया। उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि इस सोसाइटी में सुरक्षित ढंग से होली मनाई जा रही है, साथ ही लोग जमकर होली का लुत्फ़ उठा रहे हैं। हम अपना घर शालीमार सोसाइटी में आए हैं होली के रंग धमाल और यहाँ पर महिलाओं और बच्चों द्वारा यहाँ पर होली का आनंद लिया जा रहा है। कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करना चाहेंगे किस तरह का माहौल है, किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं भैया? बहुत अच्छा माहौल है, साल भर का त्योहार है, बहुत मजा आ रहा है।
हर बार इसी तरह का रहता है या पहली बार इस तरह? नहीं नहीं भैया, हर टाइम इसी तरह का होता है, काफी उमंग भरा होता है, उत्साह पूर्वक रहता है। किस तरह मनाते हैं होली? हम लोग सुबह अपना काम शुरू करके म्यूजिक चलता है, खाने का प्रबंध होता है, नाश्ता होता है और काफी एंजॉय करते हैं। यहाँ सोसाइटी की तरफ से किस तरह की सुविधा दी जाती है? सोसाइटी की तरफ से फुल सुविधा है, कहीं कोई कमी नहीं होती। किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं आप लोग? हम लोग यहाँ पे डांस करते हैं, मस्ती करते हैं, ब्रेकफास्ट यही होता है तो हम काम से भी फ्री होते हैं, बच्चे भी फुल एंजॉय कर सकते हैं, बच्चे बहुत एंजॉय और सेफर साइड है। मुझे लगता है कि जो बाहर का माहौल है उससे दूर इस सोसाइटी में कितना सहज महसूस करते हैं? इस सोसाइटी में सबसे ज्यादा सेफ्टी है, सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो सेफ्टी है। हम लोग सेफ है, हम जब मन करे अपने घर से निकल सकते हैं, बच्चे आराम से नीचे खेल सकते हैं, बहुत एंजॉय। अभी हमारे बच्चे भी अलग। होली का कोई गीत जो आप जानते हो गा के सुनाइए। होली के त्योहार पर शहर में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए पुलिस मुस्तैद रही। इस दौरान सभी चौराहों और प्रमुख स्थलों पर जवान तैनात थे। इसके अलावा शराब पीकर और तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने वालों पर कार्रवाई की गई। मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों का कहना था कि किसी भी तरह अप्रिय की घटना को रोकने के लिए पुलिस पूरी तरह से तैयार है। होली के त्योहार पर जहाँ सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं, वहीं शहर के विभिन्न चौराहों पर भी पुलिसकर्मी तैनात हैं, जो किसी भी तरह की किसी घटना दुर्घटना से बचने के लिए या लोगों को समझाने के लिए यहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं किसी तरह का उपद्रव न हो उसको लेकर भी यहाँ कार्रवाई की जा रही है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर पुलिस जाब्ता पूरी तरह से मौजूद है, जिसमें कोतवाली और ट्रैफिक थाने के जो कर्मी है वो यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ हेड कांस्टेबल यहाँ भजनी राम जी हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछना चाहेंगे कि किस तरह की व्यवस्था है। जी, तो भीड़ भाड़ देखते हुए और जो शराब पी के दो तीन से सवार उनको रोकना टोकना, कोई कोई गिर नहीं जाए पड़ जाए तो उसको पहुँचाना हॉस्पिटल वगैरह। ये अरे क्या क्या व्यवस्था है, कितना कितना जाब्ता लगाया हुआ है? कोतवाली से है 5 जवान, ट्रैफिक से 2 है और सभी चौराहे पे हैं। क्या निर्देश है पुलिस अधीक्षक की ओर से कि किस तरह के लोगों को रोकना है, किस तरह की कार्रवाई? जैसे शराब पी के लड़के बैठ के जाते हैं, तेज आवाज, तेज गाड़ी से ओवर स्पीड और म्यूजिक वगैरह चलते हैं, उनको रोकना, समझाइश करना। तो क्या लगता है अभी तक क्या माहौल है, किस शांति है? अभी तक शांति है, अभी तो ऐसा कुछ नहीं। मौके पर चालान की कार्रवाई करेंगे या उनको गिरफ्तार? चालान करेंगे, शराब पी के चलाने वाले उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। राम इनका कहना है कि जो भी शराब पीकर वाहन चला रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी। जो तीन सवारी है और स्पीड से जा रहे हैं उनको लेकर भी यहाँ कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए सभी चौराहे हैं वहाँ पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। उधर शहर में उप सर्कस और घंटाघर के अलावा कई अन्य जगहों पर पुलिसकर्मी तैनात नजर आए। गौरतलब है कि वह अपनी होली एक दिन बाद यानी 26 मार्च को मनाएंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं पूरे बाजार में पुलिस प्रशासन की तरफ से भी माकूल व्यवस्था की गई है। चप्पे चप्पे पर नज़र रख रही है, कोई हुड़दंग को अगर कोई असामाजिक तत्व तो कोई हुड़दंग मचाए तो उसके लिए भी पुलिस की ओर से पूरी व्यवस्था की गई है। और वहीं गत रात्रि अलवर में कई जगह होलिका दहन कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस बार रात 11:14 से दहन का श्रेष्ठ मुहूर्त था। शहर में मेहताब सिंह का नौरा में कई दशकों से सैकड़ों लोग सामूहिक होलिका पूजन करते आए। यहां आसपास ही नहीं बल्कि दूसरे इलाकों के लोग भी पहुंचते हैं। चेतन निवासी महेश सैनी और बलदेव सैनी ने बताया कि हर साल की तरह होलिका दहन सामूहिक रूप से मनाया गया। हर वर्ष की बात ही इस बार भी होलिका दहन किया गया है और भीड़भाड़ को देखते हुए हमें बताने देते हैं कि हमारा ये सब एकता का प्रतीक है। पूरे दूर दूर से सभी यहाँ एकजुट होकर एक साथ ये पर्व मनाते हैं और होली का दहन करते हैं। पहले भी सुबह 4 का मुहूर्त था, इस बार भद्रा लगने से रात्रि 11:15 से 11:30 का मुहूर्त है। भद्रा है जो यमराज की बहन है, इसलिए इस मुहूर्त में शुभ कार्य नहीं होते, इसलिए 11:15 से 12:30 का टाइम है।
अलवर शहर के मालवीय नगर में एक दुकानदार से मारपीट कर लूटने की घटना सामने आई है। केसरपुर के तुषार नगर निवासी राजेंद्र तिवारी ने अरावली विहार थाने में रिपोर्ट करवाई है। तिवारी के अनुसार वह मालवीय नगर स्थित अपनी दुकान पर जा रहा था, इसी दौरान कचरा डालने वाली गाड़ी ने उसे टक्कर मारने की कोशिश की। जब विरोध किया तो चालक अपने साथियों को लेकर उसकी दुकान पर पहुंच गया और गले में रखे 10,000 रुपए निकाल लिए, साथ ही 4.5 तोला वजनी सोने की चैन छीन ली। ये क्या सुबह कचरे की गाड़ी आ रही थी ऑन रोड पे, मैं घर से आ रहा था, तो घर से आ रहा था तो कचरे वाले बैग तेज स्पीड में ले रहा था, तो मैंने जैसे गाड़ी को साइड में कुदाया, तो उसके बाद ही उसने बोला मैं कि यार तू पीछे को देख के तो चला लेगा, पीछे को भी पब्लिक रहती है, वो चलाने में क्या है उसने पता नहीं लीड लगा रखी कि पी रखी क्या है भगवान जान। तो मुकेड़ वालों ने बोला कि ये इतना सा बच्चा है, अगर ये साइड से रोड से नहीं कुदाता ना अभी ठुक जाती है गाड़ी। तो मैं उसको बोला कि मैं दारू पी के चला रखा है कि होश में है कि नहीं है, पीछे को पब्लिक आ रही है। ये ऑकटॉक हुई, मैं मेरे दुकान पर आ गया, मैं झाड़ू पोछा कर रुके और फिर मैं पूजा कर रहा। दो लड़के आए पीछे से, दो लड़के आए, उन्होंने तो कुछ ही नहीं पूछा, सीधा उठा के सर में मारे। क्या क्या हथियार है? ये सरिया था और ये बीप इंस्ट्रूमेंट था। सरिया से मारे ना? हाँ, दो थे। तो वही सफाई कर्मी गाड़ी वाले थे या फिर और कोई थे? ये ऐसा पता नहीं, पर हो सकता है उसी के आदमी हो। गोवर्धन जी महाराज की परिक्रमा में पूंछड़ी का लोठा के पास ग्राम बुर्जा के श्रद्धालुओं ने भंडारे का आयोजन किया। इस द्वितीय विशाल भंडारे में 521 किलो दूध की खीर बनाई गई, इसमें सभी ग्रामवासियों का सहयोग रहा। इस मौके पर सतीश शर्मा, पिंटू प्रधान, संजय शर्मा, सुरेंद्र सैनी, हनुमान फौजी, लीलू प्रधान, गिरिराज पंचोली और महेंद्र मदारी आदि भक्त मौजूद रहे। वहीं होली की वजह से पूरा परिक्रमा स्थल गुलाबी हो रहा था। ब्रज की भूमि गोवर्धन में सही मायने में होली के रंग के साथ ही भक्ति के रंग नजर आते हैं। गोवर्धन जी की परिक्रमा में जो कि पूंछड़ी के लोटे के पास में 521 किलो दूध की खीर का प्रसाद वितरण किया गया, सभी ग्रामवासियों के सहयोग से काम किया गया और यहाँ पे गोवर्धन जी की परिक्रमा में देखने को मिला है कि चारों तरफ गुलाल उठ रही है, पूरी परिक्रमा में गुलाल और कृष्ण जी के ऊपर होली का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, जबकि अधिकतर अपने सनातन धर्म में सभी धर्मों को प्रेम भाव से मनाया जाता है, जबकि कुछ लोगों ने भ्रम बना रखा है कि होली का त्यौहार खाली बेउड़ों का और नशेड़ियों का भांग धतूरे खाने का है। ये त्यौहार ऐसी धर्म में मतलब कुरीतियाँ पैदा कर रखे, जबकि सही मायने में होली का त्यौहार प्रेम भाव का त्यौहार है, राधा कृष्ण जी का, गोवर्धन जी की परिक्रमा लोग भक्ति का त्यौहार है। इसी दिन भक्त प्रहलाद की जान बची थी, तो ये त्यौहार सही मायने में बेउड़ों का त्यौहार नहीं है। अलवर में किशनकुंड विकास समिति की ओर से होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। सागर तालाब के पास किशनकुंड पर यह आयोजन संपन्न हुआ। इस दौरान भगवान को प्रसाद अर्पित किया गया, वहीं सभी ने मिलजुल कर होली खेली। समिति पदाधिकारी ने बताया कि पानी की समस्या को ध्यान में रखते हुए फूलों और गुलाल से ही होली खेली गई है। किशनकुंड विकास समिति की ओर से होली का त्यौहार हर वर्ष की भांति बेहतरीन और शानदार तरीके से मनाया गया। यहाँ किशनकुंड पे हमारे प्राचीन मंदिर में जो देवों के देव महादेव हैं, हमारी माता हैं, उन सब के दर्शन कर तिलक लगाकर होली के कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर सभी किशनकुंड विकास समिति के पदाधिकारियों ने तिलक होली लगाकर एक संदेश दिया, पूरे देश में प्रेम भाईचारा अमन चैन की दुआ मांगी। इस अवसर पर मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे देश में शांति एवं अहिंसा रहे, सभी लोग सारी धर्म जातियों के मिलकर एक साथ होली बनाएं। और ऐसा कार्यक्रम हर साल हम मनाते हैं और होली का जो त्यौहार है वो हम सब जानते हैं, भक्त प्रहलाद के जो होलिका ने उसको गोदी में जलाने की कोशिश करी थी तो भक्त प्रहलाद बचे ईश्वर की कृपा से, और उस उपलक्ष्य में हम खुशियां मनाते हैं, होली का त्यौहार मनाते हैं। ये रंगों का त्यौहार है, ऐसा रंगों का त्यौहार हमारे देश की पहचान है और इस पहचान को हमने कायम रखने के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है, खाने पीने का प्रोग्राम किया है और हम सभी साथी लोग जैसे हमारे सारे भाई लोग हैं वो सभी बड़े हर्षोल्लास के साथ हमारे होली का त्यौहार मना रहे हैं 2024 का।
इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामीनाथ जायसवाल का अलवर के कई पदाधिकारियों ने स्वागत किया। जायसवाल दो दिन के दौरे पर जयपुर पहुंचे। इस दौरान अलवर से गए युवा प्रदेश अध्यक्ष प्रेम सिंह मीणा ने कार्यकर्ताओं के साथ उनका साफा पहनाकर अभिनंदन किया। साथ ही प्रेम सिंह मीणा प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हुए। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष ने केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधा। वक्ताओं ने कांग्रेस को वोट देकर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की अपील भी की। महापर्व आ गया है, मताधिकार का अपने प्रयोग का सही उपयोग करें। जो हमारे संविधान में है, जो लोकतंत्र को खत्म करने की भाजपा बात करती है, इनके एक हेंगले कर्नाटक के सांसद बोले 400 से पार आ जाएगा और हमारा राज्यसभा में पूरा बहुमत हो जाएगा और 20 राज्यों में मेरी सरकार हो जाएगी तो मैं लोकतंत्र और संविधान को खत्म कर दूंगा। तो लोकतंत्र संविधान को खत्म करने के मंशा से सरकार आई है। जो गरीबों को मिल रहा है, जो सुविधा मिल रहा है वो बंद हो जाएगी। सिर्फ पूंजीपतियों को जिस तरह से 16 लाख करोड़ अपने अडानी और अपने मित्रों को लोन माफ कर देते हैं, कुछ अपने साथियों को देश से भगा देने वाली पार्टी है। इससे सावधान हो। ये मत का अधिकार एक ही बार मिलता है, जो सच्चाई को बदलने के लिए परिवर्तन का एक आगाज लेकर जिस तरह से नेतृत्व परिवर्तन के लिए आप संकल्पित हो, आपका मत आपका अधिकार है। युवा मोबाइल व्हाट्सएप ज्ञान देकर जिस तरह से भ्रमित करने के लिए 10 साल तक नौकरी के नाम पर ठगा गया, उस सरकार से सावधान होइए। अपने हक को पहचानिए, अपने मत को पहचानिए, सही चुनिए और सही जवाब दीजिए। समाचार में वक्त उचला छोड़ से ब्रेक का, बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुजर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 01442338653 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहां आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है।
डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड जसवंत राय से पहले कटी घाटी अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। अलवर शहर के मोजपुर हाउस में ब्राह्मण समाज का होली मिलन संपन्न हुआ। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने इसकी अध्यक्षता की। उन्होंने बताया कि पिछले 20 वर्षों से यह होली मिलन आयोजित किया जाता है। इस दौरान तिलक होली खेली गई, वहीं आपसी प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया गया। इस मौके पर जिला ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष विशंबर दयाल वशिष्ठ भी अतिथि के रूप में शामिल हुए। इसके अलावा अनेक कवियों ने काव्य पाठ किया। मान न देना चार दे चार दे वरदान देना ज्ञान दे अभिमान न देना तेरी वंद न हो निश दिन मां वरदान देना ज्ञान दे अभिमान न देना बहती रहे ज्ञान की धारा। तिलक होली का हमारा कार्यक्रम रहता है, आपस में एक दूसरे से गेट टुगेदर करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं और समाज की मजबूती की बात करते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात तो युवा पीढ़ी को मेरा एक ही संदेश है कि ऐसा कोई काम नहीं करें जो किसी से छुपा के करना पड़े, और खासकर आजकल जिस तरीके से नते की लत में हमारा युवा जकड़ा जा रहा है उनसे मेरा विनम्र आग्रह कि नशे पते की चुर्री बीड़ी सिगरेट दारू गुटखा गांजा है ना, इन सब चीज़ों का त्याग कर दें। और चूंकि हम ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए, ब्राह्मण परिवार में हमारे बुजुर्ग बताएं बहुत ही जो व्यक्ति पूर्व जन्म अच्छे कर्म करता है उसको जन्म मिलता है, इसलिए अपने अगले जन्म को सुधारने के लिए दुर्व्यस्तों में ना पड़े और रोज़ अपने माता पिता अपने बड़े सबका सम्मान करें, ईश्वर की पूजा पाठ करें और अपना कर्म जो है आजीविका का वो सुचारू रूप से उसको जारी रखें, अनवरत रखें, क्योंकि समाज में रहने के लिए आर्थिक स्थिति मजबूत चाहिए। तो मेरा सबसे निवेदन है कि अपने कमाई का साधन बढ़िया रखें, पूजा पाठ करें, बड़ों का सम्मान करें, दुर्व्यसनों से बचें, यही मेरा संदेश है सारे युवाओं को। अलवर में अशोक सर्किल के पास जिला प्रमुख निवास पर भी होली मनाई गई। यहां सैकड़ों समर्थकों ने जिला प्रमुख बलवीर सिंह छिल्लर के साथ होली खेली। इस मौके पर जिला प्रमुख का कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। साथ ही अलवर से भी भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह यादव को विजय प्राप्त होगी। अब रिजल्ट आएगा उस दिन आप देख लेना कितने मार्जिन से बीजेपी चुनाव जीतती है। प्रत्यक्ष प्रमाण की पंचायत राज एक कड़ी है, गांव से लेकर विकास की कड़ी पंचायत राज। पंचायत राज का मैं मुखिया होने के नाते पूरे पंचायत राज के सरपंच, पंच, पंचायत समिति सदस्य, प्रधान, पार्षद सब मिलकर के हम एक टीम वर्क में काम कर रहे हैं जो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। रिजल्ट आने के बाद आपसे फिर बात करेंगे हमने क्या प्रोग्रेस किए। अब की बार भाजपा 400 पार का नारा लग रहा है, 400 पार होगी भाजपा? बिल्कुल 400 पार होगी। स्थानीय में तो यही कहता हूँ भूपेंद्र यादव हमारे अलवर जिले के लिए बहुत बड़ा संकेत है कि अलवर के अंदर अगर कोई पानी ला सकता है तो भूपेंद्र यादव ला सकता है। वहीं इस अवसर पर जिला जाट महासभा के अध्यक्ष शेर सिंह चौधरी, कोषाध्यक्ष राजेश चौधरी और चौधरी चरण सिंह विचार मंच के अध्यक्ष अतर सिंह चौधरी ने भी अपने विचार रखे। होली का जो पर्व है वो बड़े उल्लास और हर्षोल्लास का पर्व है। इसमें प्रहलाद भगत
मैं न्याय का जो वो हुआ था उसमें, और अब के सबसे बड़ी जो होली का पर्व है, मुझे इस बात की खुशी है कि चौधरी चरण सिंह जी को जो भारत रत्न दिया गया, वो वास्तव में पहला भारत रत्न है जो दिया किसानों के जो मसीहा थे। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि चौधरी चरण सिंह जी स्वर जात स्वर किसान के नेता थे, न कि जाटों के थे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि होली के उत्सव पर उनको समर्पित किया जाता है। आज हम पूरी जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी की होली मना रहे हैं। इसका कारण, मनाने का कारण ये है, हम बहुत दिन से प्रयास कर रहे थे, अनशन पे बैठे थे चरण सिंह चौधरी के लिए अब भारत रत्न मिले, लेकिन नहीं मिल पाया। लेकिन जैसे आडवाणी को भारत रत्न दे दिया था, मैंने खुद ने लेटर निकाला और इन्हें लेटर निकाल के हमने प्रधानमंत्री को भेजा। जो किसानों को मसीवा था उसके लिए आपने भारत रत्न नहीं दिया, जो एक उप प्रधानमंत्री था उसके लिए आपने भारत रत्न दे दिया, जबकि पहले इनको देना चाहिए था। एकदम लेटर जाते ही उन्होंने भारत रत्न दे दिया। मैं धन्यवाद देता हूँ और धन्यवाद के काबिल भी है, जो भारत रत्न उन्होंने दिया, हमारे कहने से दिया है। तो इसमें बड़ी खुशी है, आज हम सबसे बड़ी अच्छी होली की जिंदगी में पहली बार बड़ी खुशी मना रहे हम। होली साहब, होली जो है कि फूलों का गुलालों का पर्व है, त्यौहार है, और सब खुशियों से मनाते हैं। आज प्रमुख साहब के यहाँ होली मनाई जा रही है, पंचायत राज के सब हैं यहाँ। हमारा तो समाज के लिए संदेश है कि सब अमन चैन राजी खुशी रहे, प्यार मोहब्बत बनाए समाज में। एक ओर जहां सभी लोग होली मना रहे थे, वहीं दूसरी ओर सरिस्का में कर्मचारी 24 घंटे मॉनिटरिंग में लगे हुए थे। बाघों और अन्य वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए अकबरपुर रेंज में भी गश्त जोरों पर रही। डीएफओ महेंद्र शर्मा के नेतृत्व में रेंजर राजेंद्र शर्मा के निर्देश अनुसार 24 घंटे गश्त जारी है। सभी रेंज के संवेदनशील नाकों पर लगातार नजर रखी जा रही है। वनपाल रामवीर गुर्जर ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। होली के पर्व पर अवैध गतिविधियां जैसे कटान, छंगान, शिकार की घटनाएं बढ़ जाती हैं। इसी को देखते हुए बाघ परियोजना सरिस्का में डीएफओ महेंद्र शर्मा जी के नेतृत्व में और रेंजर राजेंद्र शर्मा जी के निर्देशानुसार सभी वन क्षेत्रों में रात्रि गश्त के लिए टीम गठित की गई है, जो 24 घंटे मॉनिटरिंग करते हुए अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हो। इसी संदर्भ में अकबरपुर रेंज में टीमें बनाई गई हैं और अपने कार्य को निर्वहन कर रही हैं और लगातार गश्त कर रही हैं। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में धुलंडी का पर्व उल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान तमाम तरह के रंगों से लोगों ने एक दूसरे को रंग और मिठाइयां खिलाई, साथ ही आपसी प्रेम और सौहार्द छाया रहा। बुराई पर अच्छाई की विजय के चलते होली का दहन किया गया। उसके बाद धुलंडी को प्रेम का रंग बरसा, जिसमें हरा, लाल, पीला, नीला सभी समग्र मिलकर जो रंग बना वो एक दूसरे को लगाया। होली के गीत गाए, मिठाई बांटी, ठंडा पिया और इस त्यौहार को हंसी खुशी से मिलकर मनाया। जैसा कि भगवान साहेब सहन गायक कलाकार ने गाया भी है, राम राम सा होली की, राम राम सा ऐसे की ना पैसे की, राम राम होली और दुल्हंडी की। इसी आशय के साथ यह पर्व त्यौहार खुशी उल्लास उमंग से मालाखेड़ा क्षेत्र सहित अलवर शहर तक गया। और वहीं अलवर के गायत्री मंदिर रोड पर सर्व समाज के लोगों ने पर्व को प्रेम के साथ मनाया। यहां अधिकारी, कर्मचारी या छोटे बड़े किसी का भेद नजर नहीं आया। और वहीं मालाखेड़ा के ग्राम पंचायत पृथ्वीपुरा में अबीर गुलाल से होली खेली गई। इस दौरान ढप के थाप पर ग्रामीणों ने नृत्य किया। कार्यक्रम में अनिल नरुका, पूर्ण शेखावत और आशीष शर्मा आदि उपस्थित रहे। आज अकबरपुर में धुलंडी को लेकर लोगों में उत्साह नजर आया। यह पर्व मनाने के लिए पहले से ही तैयारी कर ली गई थी। गलियों में डीजे पर बजते गानों पर लोग नाचते हुए नजर आए। इसके अलावा महिलाओं ने घर घर जाकर अपनी सहेलियों को रंग लगाया और खुशी जाहिर की। अनेक युवाओं ने बताया कि वह धुलंडी के लिए कई दिन से प्रतीक्षा कर रहे थे। पुलिस की सभी जगह पर कानून व्यवस्था को लेकर के सभी जगह अलर्ट है, कोई भी अगर आते हैं तो उसके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी।
बाकी फिलहाल शांति है सभी जगह। और वहीं पर्व को लेकर क्षेत्र में पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था रही, साथ ही नजर रखी गई कि किसी भी वजह से त्योहार का माहौल ना बिगड़े। हमारे हर वर्ष की भांति जिस वर्ष हर प्रकार जिस प्रकार हम मनाते हैं होली, उसी प्रकार आज भी हमने धूमधाम से होली मनाई है। और जैसे कि हमको आप देख ही रहे हो गुलाल और रंग से, जैसे कि आपको बता दें कि हर वर्ष की भांति आज भी जो अभी आई है होली, हमने बड़े धूमधाम से मनाई है, हर्षोल्लास के साथ मनाई। और वहीं अकबरपुर में गत रात ही पूरी परंपरा के साथ होली का दहन किया गया। कस्बे में दो जगह होली का दहन किया जाता है। इस बार भद्रा की वजह से रात 11:14 से शुभ मुहूर्त था। भक्तों ने होली की परिक्रमा लगाई और दहन किया, साथ ही भक्त प्रहलाद के जयकारे गूंजते रहे। होलिका के मध्य में डांडा लगाड़ा जाता है जो भक्त प्रहलाद का स्वरूप होता है। होलिका दहन के समय इस डांडे को निकाल लिया जाता है। इसके अलावा होलिका की अग्नि में फसल की बालियां सेक कर प्रसाद के रूप में वितरण किया गया। अकबरपुर गाँव में शांतिपुर के होली का दहन त्यौहार मनाया गया है। शांतिपूर्वक सभी लोग वाग अपने अपने प्रोग्राम कर परिक्रमा लगा के पूजन करें और शांतिपूर्वक तरीके से दोनों जगह ही त्यौहार मनाया गया। होली का पर्व हमारे गांव अकबरपुर में बड़े हर्षोल्लास का साथ मनाया गया। इसका 11:15 तक भद्रा होने के कारण 11:15 के बाद होली मंगाई गई। वो गाँव ने विधिवत उसका पूजन करके सबने उसकी परिक्रमा दी और हर्षोल्लास के साथ होली का समापन। उधर होलिका दहन के दूसरे दिन से ही गणगौर पर्व मनाने की शुरुआत हो गई है। 16 दिन तक श्रद्धालु महिलाएं घरों में गणगौर माता का पूजन करेंगी। वहीं झाड़ी में धूप और फल सजाकर वे गणगौर माता के गीत भी गा रही हैं। कुशालगढ़ में भी महिलाओं ने गणगौर माता की विधिवत पूजा अर्चना की। श्रद्धालु प्रीति सैनी ने बताया कि इस बार 18 दिन तक गणगौर माता का पूजन होगा, इसके बाद प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा। होली के दूसरे दिन से स्टार्ट हो जाती है, सारी सुहागिनी स्त्रियाँ, कुंवारी लड़कियाँ, नवविवाहित लड़के, ये सब गणगौर माता की पूजा करते हैं पूरे 16 दिन की, पर इस बार 18 दिन की है। अभी मतलब मेरी भी नई शादी हुई है तो ये मेरी मतलब पहली गणगौर है, तो 16 दिन मैं पूजा करूँगी इस बार। और सुबह जैसे गणगौर वाले दिन पहले दिन से ही सुबह जल्दी उठ के मतलब स्नान करती है, फिर उसके बाद में कुएं पे जाती है, वहाँ से पानी भरती है, घास लेके आती है, फूल तोड़ के लेके आती है बगीचों से, फिर गीत गाते हुए आती है, गणगौर माता का गेट खुलवाती है, फिर उसके बाद में पूजा स्टार्ट करती है। पहले के 8 दिन तो होली की राख और मिट्टी से मतलब 8-8 करके वो बनाती हैं, मतलब उनको शिव और पार्वती मान के पूजा की जाती है पूरे 8 दिन। फिर 8 दिन वसी लास्ट में आती है, फिर उससे मतलब गणगौर माता ला के फिर घर पर बना कर श्रृंगार करती है, फिर 8 दिन तक उनकी पूजा की जाती है। फिर 16वें दिन उनका मतलब विसर्जन कर दिया जाता है और सारे त्यौहार मतलब ऐसा माना जाता है कि गणगौर माता जब जाती है जैसे विसर्जन होता है तो सारे त्यौहार लेके घूम जाती है वो, फिर तीर्थ के द्वारा वो निकलती है। तो ये त्यौहार गणगौर का है जो मतलब सुहागिनी स्त्रियाँ अपने पति की लंबी उम्र, उनके स्वास्थ्य, घर की सुख समृद्धि इन सब के लिए करती है। बड़दोमे कस्बे के होली चौक पर विधि विधान के साथ पूजन के बाद होली का दहन किया गया। चेयरमैन प्रतिनिधि कजोड़ी राम और सैकड़ों ग्रामीण डीजे और ढोल के साथ होली चौक पर पहुंचे। चेयरमैन प्रतिनिधि रूपचंद ने बताया कि यहां पंडित अनिल द्वारा होली का पूजन करवाया गया, इसके बाद होली का दहन हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में कस्बे के लोग उपस्थित रहे। तिजारा कस्बे में धुलंडी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। यहां पालिका सभापति झब्बूराम सैनी के नेतृत्व में गुलाब के फूलों और चंदन से सामूहिक होली खेली गई। सैनी युवा मंडल के प्रांगण में सैनी समाज के प्रधान कृष्ण सैनी के सानिध्य में धुलंडी मनाई गई। यहां लोग डीजे पर नाचते दिखे। वहीं पूर्व पालिका अध्यक्ष उर्मिला रामेश्वर सैनी ने पानी को व्यर्थ नहीं बहाने को लेकर अपील भी की। समाचार में फिर से रुकेंगे एक छोटे से अल्प विराम के लिए, आप बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। Thank you.
हीरे सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स बजाजा बाजार अलवर। फोन नंबर 01442338653 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहां आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड जसवंत राय से पहले कटी घाटी अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुजर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। खैरतल कस्बे में अनेक स्थानों पर गत रात होली का दहन किया गया। यहां अग्रसेन चौक, लक्ष्मीनारायण मंदिर, खैरतल गांव, जसोरिया कॉलोनी, यूको बैंक के पास और बाईपास रोड आदि पर होली का दहन हुआ। इस दौरान लोग होलिका की अग्नि को अपने घर भी ले गए, जो कि शुभ माना जाता है। वहीं सोमवार को लोगों ने जमकर होली खेली। इस दौरान DJ लगाकर लोग नाचते हुए भी देखे गए। खैरतल कस्बे के 40 फुटा रोड पर रविवार की रात्रि शाम प्रभु का जागरण आयोजित हुआ। यह जागरण रात्रि 9 बजे से सुबह 4 बजे तक चला। आर्केस्ट्रा पार्टी से जुड़े कलाकारों ने बाबा का गुणगान किया। वहीं भव्य दरबार सजाकर 56 भोग का प्रसाद वितरित किया गया। कोटपुतली के फल सब्जी मंडी प्रांगण में जयपुर ग्रामीण से कांग्रेस प्रत्याशी अनिल चोपड़ा का स्वागत किया गया। लोकसभा प्रत्याशी के सम्मान के दौरान कांग्रेस सेवादल जिलाध्यक्ष रघुवीर यादव, व्यापारी अमर सिंह सैनी, गोकुल चंद आर्य और राजेंद्र प्रसाद बिजवाड़िया आदि की मौजूदगी रही। साथ ही बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है जो देश के कणकण में बसी हुई है और जो BJP द्वारा देश को तोड़ने का, संविधान को नष्ट करने का और एक संप्रभु तानाशाह राज स्थापित करने का जो काम किया है, उसको हम सर्वजन सर्व समाज मिलकर के कोटपुतली में बेखूबी से भाई अनिल चोपड़ा के साथ में लग करके और जो लोगों को तोड़ने का काम किया है उसको समाप्त करके और एक स्वच्छ भारत में स्वच्छ संविधान की
संरचना के आधार पर एक ऐसे सरकार बनाएंगे, ऐसे व्यक्ति को चुन करके भेजेंगे यहाँ से जो हमारे दबे कुचले पिछड़े वंचित और शोषित और जमीन पर आधार पर जो गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं वो आम जन तक, जो पंचायत राज के पिछड़े दर्जे पर जो आदमी बैठा हुआ है उन पर न्याय कैसे पूछे, मूलभूत सुविधाएं कैसे पूछे, ये चुन करके भाई अनिल चोपड़ा को भेजेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे वीर शहीदों ने मेहनत करके इस देश को आजाद कराया था अंग्रेजों से, वो देश उन्हें गुलामी की जोर में जकड़ा है। जो संविधान बहुत मेहनत से और लगन के द्वारा बनाया गया, ये कह रहे हैं कि संविधान बदल देंगे। कभी कहते हैं हम पुराना 10,000 साल पुराने या लाओगे, 10,000 साल पहले जो हम नंगे घूमने थे, जो कांग्रेस की बनाई गई नीतियां हैं, जो बनाई उन नीतियों को नष्ट करके ये देश की जो संपत्ति है उनको बेच रहे हैं, और फिर कह रहे हैं कि भाई हम देश को आगे बढ़ाएंगे, और साथ ही इनके कुछ अंधभक्त लग रहे हैं जो कांग्रेस के दी हुई जमीन को बेच करके नेता बने हुए हैं। मैं ये बताना चाहता हूं कि राजस्थान जो वीरों की भूमि है, और इस वीरों की भूमि में गद्दारी करने वालों को, धोखा देने वालों को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाता है। जिले में दो अलग अलग स्थानों पर दो युवकों की मौत का मामला सामने आया है। इनमें से पहले प्रकरण में ग्राम झालाटाला से सामान लेने बिचगांव जा रहे युवक अटल मीणा को रास्ते में अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, इसके चलते युवक की जान चली गई। मृतक परचून की दुकान चलाता था और कोल्ड ड्रिंक खत्म होने के कारण इसे लेने बाजार गया हुआ था। धुलंडी के दिन उसकी मौत से पूरे परिवार और गाँव में मातम छा गया। क्या नाम है, क्या मामला हुआ, एक्सीडेंट हुआ अटल मीणा में? हाँ, तो हुआ कैसे, हुआ कहाँ? झालाटाला रूपसर के बीच होगा, तो सामान लेने के लिए कुछ वहाँ जा रहा था। अच्छा, फिर ये एक्सीडेंट हुआ कहाँ पे? झालाटाला रूपसर के बीच। ये फिर क्या काम कर रहे थे? दुकान खोल रहे थे। क्या नाम है? अटल मीणा। उधर खुशकेड़ा क्षेत्र में 43 वर्षीय युवक की फैक्ट्री से लौटने के बाद अचानक मौत हो गई। मृतक के पुत्र प्रिंस के अनुसार पिता श्रीलाल दमामी रविवार की शाम कंपनी से लौट रहे थे, उसके बाद अचानक उनके सीने में दर्द हुआ और अलवर ले जाते समय रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया। श्रीलाल जी दमामी, क्या लगता है आपको? वो मेरे पिताजी है। क्या घटना हुई? वो कंपनी से काम करते समय सुबह 7 बजे आ गए थे, अचानक सीने में दर्द हुआ। आज सुबह? आज सुबह। कितने बजे आए थे घर पे? पर 7 बजे आ गए। तुरंत आने के बाद दर्द हुआ कि कुछ समय बाद? कुछ समय बाद हुआ। अच्छा, क्या फिर क्या किया? वहाँ से नजदीकी हॉस्पिटल में ले गए थे, वह दवाई दी, वहाँ से रेफर गया था टप्पूगढ़ा। अच्छा, टप्पूगढ़ा से फिर सीधा अलवर लाए थे। तो रास्ते में दम तोड़? रास्ते में दम तोड़ दिया। क्या काम करते हैं? लोडिंग करते सिर सीमेंट। पहली बार हुआ, हार्ट अटैक ही होगा, साइलेंट अटैक आया। रुत आ गई है रंग की, चढ़ गई है मस्ती भंग की, है राधा रानी की प्रीत में होली, है मीरा के संगीत में होली, प्रीत की झंकार है होली, रंगों का त्योहार है होली। जी हाँ, सिर्फ रंगों का खेल नहीं बल्कि आपसी दोष भुलाकर प्रेम के रंग में रंगने का नाम है होली। आइए आपको सुनवाते हैं एटीएल की खास प्रस्तुति होली के रंग कवियों के संग, जहाँ फाल्गुन मास में हर तरफ उमंग उत्साह का माहौल नजर आता है। वहीं देश भर में होली का त्योहार बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है, वहीं होली भी अलग अलग तरीके से खेली जाती है। आइए सबसे पहले सुनवाते हैं वरिष्ठ कवि राजेंद्र तिवारी की कविता। कि अब दिलों से दिल मिलाओ, बात बन जाए, सब गिले शिकवे भुलाओ, बात बन जाए, फरिश्ते बन रहे इंसान भी शैतान ओ नादान, फरिश्ते बन रहे इंसान शैतान ओ नादान, अरे फकत एक आदमी बनकर दिखाओ बात बन जाए, फकत एक आदमी बनकर दिखाओ बात बन जाए। जहर नफरत का भर भर कर पिलाया है बहुत तुमने, जहर नफरत का भर भर कर पिलाया है बहुत तुमने, कि प्याला प्रेम का भी कर पिलाओ बात बन जाए, अब दिलों से दिल मिलाओ बात बन जाए। ढेरों अहम की बोतल का दारू पी लिया यारो, ढेरों अहम की बोतल का दारू पी लिया यारो, अब आंसू आंख के पी कर दिखाओ बात बन जाए, अब आंसू आंख के पी कर दिखाओ
बात बन जाए। अब इस शेर को देखना जरा कि फल है नहीं पर पेड़ देखो छू रहे अंबर, फल है नहीं पर पेड़ देखो छू रहे अंबर, अरे मीठे आम बनकर सर झुकाओ बात बन जाए, मीठे आम बनकर सर झुकाओ बात बन जाए। और अंतिम वो है शेर कि नजर वे धूप के चश्मे बहुत तुमने लगाए हैं, नजर वे धूप के चश्मे बहुत तुमने लगाए हैं, मोहब्बत का भी एक चश्मा लगाओ बात बन जाए। और होली पे रंग भरे के लिए एक छोटा सा छंद कि लाल लाल काले काले मुखरन को करके सखा, लाल लाल काले काले मुखरन को करके सखा, होली के दिन ये कहो कौन आते हैं, कौ तो लगते हैं देखो लंगूर जैसे, कौ कौ आपस में गुलाल ही लगाते हैं, कौ कौ आपस में गुलाल ही लगाते हैं, कौ मारत हैं भर भर पिचकारी रंग, कौ भर रंगन के घोटे चलाते हैं, अरे ऊंची सी झरोकी में बैठी छबीली बोली, हाय दैया होली के भड़वे चले आते हैं। आइए अब सुनवाते हैं साहित्यकार डॉक्टर देवेंद्र शर्मा की कुछ पंक्तियां। रंगोत्सव पर आज आपके सामने मेरी एक छोटी रचना प्रस्तुत है, पावन प्रेम होली है। सजो कर रंग कुछ सुंदर, प्रकृति हंस के बोली है, दिलों में घोल लो प्रियतम, पावन प्रेम होली है। निराशा सिमटी सहमी सी, डरती डोलती रहती, आशा रंग भी नीसी, कहानी प्रेम की कहती, अधर मुस्कान जो आई, कली मानो कोई चटकी, बिखरी एक किलकन जो नारदी वीन आ भटकी, स्वागत तुम करो इनका, अंतर मन की बोली है, दिलों में घोल लो प्रियतम, पावन प्रेम होली है। किसी कोने छिपी बैठी कहीं कोई कलमस्ता, दे दो रंग वह उसको बने वे ज्योति उज्ज्वलता, बने वे भावना सबकी दिलों में प्यार से प्यारी, अंतर मन की उज्ज्वलतम मानो प्रेम पिचकारी, देखो देखो ये आती गाती गीत टोली है, दिलों में खोल लो प्रियतम पावन प्रेम होली है। रंगो वे श्याम रंग मुझको न उतरे जिंदगी भर जो, मैं हूँ बाट में प्रियतम मैं तो जाऊं उसमें खो, पावन प्रेम मैं चाहत रही थी जो सदा उसकी, बने वे आज जगती में मेरी तेरी और सबकी, गहन सी भावना भरकर राधे श्याम बोली है, दिलों में घोल लो प्रियतम पावन प्रेम होली है। पूत उल्लास से प्रेरित तुम्हारे मन की ये साखी, गाती झूमती आती खेतों खेत बैसाखी, नाचो झूमो गाओ तुम बने सगुनी वह आवन, करो तुम आज सब स्वागत गाकर गीत है फागन, जिने अव गुंठन ने रस मिश्री से घोली है, दिलों में खोल लो प्रीतम पावन प्रेम होली है, संजो कर रंग कुछ सुंदर, प्रकृति हंस के बोली है, प्रकृति हंस के बोली। वहीं अब सुनते हैं जयपुर की कवियत्री डॉक्टर उमा सिंह ने किस तरह से बयां की अपनी बात। नमस्कार, मैं डॉक्टर उमा सिंह। फागुन का त्योहार आते ही पूरी प्रकृति रंगों से ओतप्रोत हो जाती है, और प्रकृति ही नहीं मनुष्य भी रंगों से बहुत खुश हो जाता है। फागुन के त्यौहार में ही होली आती है, फागुन में ही होली आती है, और वो होली रंगों का त्यौहार होता है, और इसी रंगों के त्यौहार की आप सभी को शुभकामनाएं, और शुभकामनाओं के साथ आपके सामने अपनी स्वरचित चार पंक्तियां आपके सामने पेश करती हूँ। प्रेम जो राधा के बस में, प्रेम जो राधा के बस में, रंगों के त्यौहार से होली से राधा और कृष्ण का प्रेम जुड़ा हुआ है।
प्रेम जो राधा के बस में नंदलाल अकेला हकदार हुआ, प्रेम जो राधा के बस में नंदलाल अकेला हकदार हुआ, वो रास रंग वो दही माखन, वो रास रंग वो दही माखन, कृष्णा ने जो ब्रज थाम किया, ये रंग जो तेरे अंदर है, ये रंग जो तेरे अंदर है, उस रंग को मुझ तक आने दे, न देख अनाम तू यू मुझको, न देख अनाम तू यू मुझको, मीरा सा मुझे रम जाने दे। रंगों के त्यौहार में सभी मनुष्य अपनी मित्रता, दुश्मनी, ऊंच नीच, भेदभाव सभी दूरियां मिटा कर एक दूसरों को अपने ही रंग में रंग देते हैं। हरिवंश वचन की दो चार पंक्तियां आपके सामने पेश करती हूँ। तुम अपने रंग में रंग लो तो, तुम अपने ही रंग में रंग लो तो, वो होली हो जाएगी, देखी मैंने बहुत दिनों तक, दुनिया की रंगीनी हो जाएगी, किंतु रही कोरी की कोरी, मेरी चादर झीनी झीनी, किंतु रही कोरी की कोरी, मेरी चादर झीनी झीनी, तन के तार छुए बहुतों ने, तन के तार छुए बहुतों ने, मन का तार न भीग पाएगी, तुम अपने ही रंग लो मुझको, मेरी चादर झीनी हो जाएगी। वहीं अब आपको सुनवाते हैं कवयित्री डॉक्टर रेखा गोड़ की फाल्गुन की बेला पर कुछ पंक्तियाँ। होली का त्यौहार बसा है सबके मन में, होली का त्यौहार बसा है सबके मन में, रंगों की फुहार भरती तरंगे मन में, टेसू के फूलों से पूरा जंगल महक रहा, टेसू के फूलों से पूरा जंगल महक रहा, स्वर्णिम कर आकाश हृदय को अतिभाता, चारों ओर उड़े गुलाल खेले हर्षित होकर, चारों ओर उड़े गुलाल खेले हर्षित होकर, रंगते फिर से एक दूजे को और फिर हंसते, प्रकृति के देख विविध रंग मन खिल जाते, भरती उमंग हृदय में प्रेम से गले मिल जाते, रंग लाल गुलाबी नीला पीला करता है धमाल, रंग लाल गुलाबी नीला पीला करता है धमाल, दिखाता स्वप्न सजीले जब होता है धमाल, पकवानों का भोग ईश्वर को हम लगाते, पकवानों का भोग ईश्वर को हम लगाते, गुजिया मठरी पापड़ खुशी से हम हैं खाते, हो चंचल व्यवहार करे सभी ठिठोली, हो चंचल व्यवहार करे सभी ठिठोली, भरते रंग हजार जीवन में ये फागुन की होली, भरते रंग हजार ये फागुन की होली। और अंत में कवि डॉक्टर संजय राणा संप्रीत की यह खास कविता। होली में रंग प्रीत के लगाते रहेंगे, होली में रंग प्रीत के लगाते रहेंगे, सुचि भावना के भाव हम बढ़ाते रहेंगे, इस बार प्रभु राम अयोध्या पधारे हैं, इस बार प्रभु राम अयोध्या पधारे हैं, वंदन में उनके फाग रंग बिखराते रहेंगे, होली में रंग प्रीत के लगाते रहेंगे, सुचि भावना के भाव हम बढ़ाते रहेंगे, भारत वर्ष का मान और सम्मान बढ़ाएं, सारे जगत में विश्व गुरु बन के बताएं, भारत वर्ष का मान और सम्मान बढ़ाए, सारे जगत में विश्व गुरु बन के बताए, परचम हमारे हिंद का लहराए गगन में, परचम हमारे हिंद का लहराए गगन में, मस्तक पे तिलक होली का लगाते रहेंगे, होली में रंग प्रीत के लगाते रहेंगे। आगे कुछ इस तरीके से पेशी खिदमत है। बिस्मिल भगत अशफाक ने जो होली खेली थी, हंसते हुए सीने पे अपने गोली झेली थी, वो लाल थे माँ भारती के हम भी लाल हैं, वो लाल थे माँ भारती के हम भी लाल हैं, ये गुलाल राष्ट्र भक्ति का लगाते रहेंगे, ये गुलाल राष्ट्र भक्ति का लगाते रहेंगे,
होली में रंग प्रीत के लगाते रहेंगे, शुचि भावना के भावे हम बढ़ाते रहेंगे। आगे कुछ इस तरीके से लिखने का प्रयास किया है, सत्यम शिवम और सुंदरम का पाठ पढ़ाए, संस्कार सनातन के चहु दिश में फैलाए, सत्यम शिवम और सुंदरम का पाठ पढ़ाए, संस्कार सनातन के चहु दिश में फैलाए। रंग लाल गुलाबी हो या हो पीत श्वेत सा, रंग लाल गुलाबी हो या हो पीत श्वेत सा, काना के श्याम रंग में हम तो रंगे जाएंगे, श्यामा के श्याम रंग में हम तो रंगे जाएंगे। होली में रंग प्रीत के लगाते रहेंगे, शुचि भावना के भावे हम बढ़ाते रहेंगे। अंतिम मंत्र कुछ इस प्रकार से है, मीरा रहीम तुलसी और रस खान गाते हैं। यही हमारे भारतवर्ष की विशेषता है कि यहाँ तुलसी भी गाते हैं और रस खान भी गाते हैं। मीरा रहीम तुलसी और रस खान गाते हैं, काना भी राधा रानी की होली में आते हैं, ऐसा पुनीत प्रेम बहा दे जगत में हम। यही पुनीत की और प्रेम की जरूरत है पूरे संसार को, ऐसा पुनीत प्रेम बहा दे जगत में हम, हर प्राणी को सद्भाव से गले लगाते हैं, होली में रंग प्रीत के लगाते रहेंगे, सुचि भावना के भावे हम बढ़ाते रहेंगे। इस बार प्रभु राम अयोध्या पधारे हैं, इस बार प्रभु राम अयोध्या पधारे हैं, वंदन में उनके फागे रंग बिखराते रहेंगे। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। होली के रंगों पर लोकसभा चुनाव की छाई रंगत, गीतों पर झूमे मंत्री संजय शर्मा और नेता प्रतिपक्ष जूली एवं वोट जरूर डालने को लेकर की अपील, वहीं अन्य जनप्रतिनिधियों के यहां भी उमड़े समर्थक। धुलंडी के धमाल में डूबे अलवरवासी, हर तरफ छाया त्योहार का उल्लास। होली के हुड़दंगियों पर पुलिस ने रखी पैनी नजर, चौराहों और सार्वजनिक स्थलों पर तैनात रहे जवान। और दुकानदार पर हमला कर लूटे सोने की चैन और नकदी, शहर के मालवीय नगर में सामने आई वारदात। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही, दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवाड़ी को इजाजत, नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।